समर्पण समारोह। रिपोर्ट संजय तिवारी। चंद्रपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर आम जनता को हो रही असुविधा और कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन एम्बुलेंस की व्यवस्था को देखते हुए सोमवार 24 मई को शाम 5 बजे चंद्रपुर राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय चंद्रपुर जिला सामान्य अस्पताल में 15 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें 3 वेंटिलेटर बैंक और अन्य ऑक्सीजन एम्बुलेंस शामिल हैं। अबू आजमी साहब चंद्रपुर जिला अध्यक्ष व चंद्रपुर नगर निगम अध्यक्ष तनशील पठान के मार्गदर्शन में सचिव परवेज सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष रज्जाक खान व महिला प्रदेश अध्यक्ष माया ताई मौजूद रहीं। चंद्रपुर नगर निगम अध्यक्ष तनशील पठान ने कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए एम्बुलेंस की जरूरत और मरीजों की परेशानी को देखते हुए हम शहर में आम जनता को मुफ्त सेवाएं देने के लिए 15 एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं। व्यक्ति शायद ही जिंदगी में देखा होगा, फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उनके ग्रुप से ज्वाइन होके। जैसे एक मैसेज मैंने ग्रुप में डालते इमीडिएटली मतलब मैसेज का रिप्लाई आएगा, इमीडिएटली कोई ना कोई अपने लिए हाजिर होएगा। और जैसे मैं बेड के लिए या कुछ भी, एक वुमेन को मुझे इतनी बड़ी हिम्मत मिली इनके ग्रुप की वजह से, तो मैं हैट्स अप करती हूँ कि टीम पूरी को और स्पेशली तानसिल भैया को। मुझे आधी आधी रात में जब भी मैंने उनको फ़ोन की वो मेरे लिए हाजिर रहे, मैं मेरे लिए जैसे हाजिर रहे वैसे मैं होप कर रही हूँ और देखी भी हूँ कि उन्होंने हर एक के लिए वैसे ही खड़े रहे। इस कोरोना काल में है ना, लोग आप घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इन्होंने घर अपना परिवार सभी लोगों को समझाए, समाज को समझाए। मैं इनसे लोगों को प्रेरणा लेने के लिए बोलती हूँ कि जैसे तानसिल भैया आज सबके लिए खड़े हैं, वैसे सभी जना थोड़ा सा अपना वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा खड़ा होएगा ना, तो यहाँ से महामारी का नाम ही खत्म हो जाएगा। 15 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। कोरोना काल के अंदर में कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह चंद्रपुर की प्रशासन असफल नजर आई, मरीजों को वक्त पर एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पाई, मरीजों को वक्त पर बेड प्रोवाइड नहीं हो पाए, मरीजों को वक्त पर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे, इस चीज़ को देखते हुए हमने हमारे समाजवादी पार्टी, मैं और मेरा जिला अध्यक्ष और साथी महाराष्ट्र टीम के मार्गदर्शन में 15 एम्बुलेंस महान मनपा शहर के हद तक हमने फ्री कराई है, जिसके अंदर में कुछ वेंटिलेटर्स गाड़ियां हैं, उसी के साथ में कुछ ऑटो गाड़ियां हैं। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि जिस किसी को जहां पर गवर्नमेंट की सेवा ना मिले वो ज़रूर हमसे समाजवादी पार्टी से कहे। समाजवादी पार्टी आपके साथ में, आपके वक्त इस महामारी के वक्त आपके साथ बिल्कुल खड़ी रहेंगी और आपकी सेवा करेगी। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी।